भैया, किसी किसी बातें करते हैं ये। हे गाइस, अब मैं रिया करने वाली हूँ और वाह मेरे मौज कर दी एपिसोड 52। वाह क्या सीन है, डैंग कैरियर मीम्स बाय मीमा हब। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मैम मोनाली नायको, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। वाह वाह, मैं तो कहता हूँ दिल लगाओ उसी से, दिल लगाओ उसी से, दिल लगाओ उसी से जो रोज दे खुशी से। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। अच्छा, एक मुझे बात है, सर्दियों की हम बात कर रहे थे शुरू में, तो मेरा आपसे एक सवाल, इट्स अ वेरी डिसेंट क्वेश्चन। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये सर्दियों में अंडे ऊपर चले जाते हैं और गर्मियों में अंडे नीचे आ जाते हैं, तो ये रेट एक जैसे क्यों नहीं रहते? हेलो गाइस, स्वागत है आपका मीम आपके एक और नई वीडियो में। तो गाइस, आज वाली वीडियो भी बहुत ज्यादा फाड़ होने वाली है, तो एंड तक जरूर देखना। चैनल पर जो भी नया हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह की मीम वीडियोस आती रहती हैं। एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, ये वाली वीडियो बस एंटरटेनमेंट के लिए है, तो इसको बिल्कुल भी सीरियसली मत लेना, बस मजे लो। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज दिमाग में क्या आती? इंडिया वाले बड़े बदतमीज होते। अच्छा, क्या बदतमीजी की उन्होंने आपके साथ? उसने मंगियाई कर दी। वो कैसे? इमरान खान के साथ रलकर मंगियाई कर दी। ये किसने बताया आपको? हमको मेरे भाई ने बताया। अच्छा अच्छा अच्छा, भाई क्या करता है? भाई हमारा चने बेचता है। कोई बात नहीं, 50 बार बोलता हूँ साले को, गाड़ी सही से चलाए कर, सही से चलाए कर। हो गया, अबे हॉस्पिटल जा रहा है, उसके पास खाली हाथ जाएगा क्या देखने के लिए? आप फ्रूट ले लेते हैं। बात तो सही है, फ्रूट लेते नहीं कैसे? 40 रुपए किलो है भैया, ले लो, बहुत बढ़िया अमरूद है। 40 रुपए किलो है? हाँ भैया। यार देख लो, कुछ सस्ता नहीं लगेगा क्या? नहीं भैया, हमको पड़ता नहीं भाई, छेड़ो मत यार। अबे भाई यार, कीड़े तो नहीं होंगे इसमें? कीड़ा तो इसकी गांड में, इतनी देर से छेड़ रहा है। ये क्या बात करता है यार। अच्छा वो सब तो ठीक है, यहाँ का खाना तो खा लेंगे, पर मुझे अपने घर कब बुला रहे हो खाना खाने? क्यों, तुम्हारे घर में खाना नहीं है क्या? दुखिया हो क्या? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ऐसा कौन सा ड्राइवर है जिसे लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती? हस्बैंड किस एंगल से? उसको लाइसेंस की जरूरत ही नहीं पड़ती ना, वो जब चाहे तब। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। भाई एक शायरी है मेरे पास, तूने सुनी हुई है, पर दोबारा रिपीट करेगा जैसे पहली बार सुन रहा है, ठीक है? ओके ठीक है। रात को उधर मत देखियो, दिख जाएगा भूत। रात को उधर मत देखियो, दिख जाएगा भूत। तेरी माँ की गजब बेइज्जती है। तुम बहुत सही दोस्त है मेरे भाई। अब मानते हैं या नहीं मानते कि इंडिया चांद पर गया? सर सबसे पहली बात है कि इंडिया तो चांद पे चला गया है, लेकिन वो जन्नत में नहीं जा सकता। क्यों? क्या हुआ? क्यों? वो जन्नत में तो हम जाएंगे, हम मुसलमान हैं। अलविदा दोस्तों। A few moments later. ये तो मेरी गलती है। हाँ। सारी गलती तुम्हारी है। मुकुल भाई, आप ये क्या कर रहे हैं? आप सोच जाइए, आपने जहर पिया है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हमारा सवाल ये है कि हमें कोई एडवाइस देता, हम नहीं लेते, एंड फिर हमें बाद में रियलाइज होता है कि वो एडवाइस सही थी। तो आपके संग कभी कुछ ऐसा हुआ? नहीं। मैं बताना चाहोगे? भाई दिवाली का टाइम था अपना। अच्छा, तो यही भाई थे, मेरे को एडवाइस दे रहे थे। अच्छा, कि भाई बम बम मत फोड़े, इसमें तेरा भी नुकसान है। बात तो सही है। तो भाई मेरे को लगा है भाई मेरे से खिलसते हैं, क्योंकि भाई उस टाइम मेरे पैसा था भाई, तो पैसे हर कोई खिलसता है।
कुछ भी। फिर आपने okay. क्या तो क्या हुआ भाई, मैंने इनकी एडवाइस ली नहीं, लेकिन फिर मेरे को बाद में रियलाइज हुआ कि भाई की एडवाइस लेनी चाहिए थी। अच्छा तो आपको कब पता चला? जब भाई बम के संग मेरा याला चला गया। प्रैंक हो गया आपके पास। खत्म हो गया भैया मैटर। हफ्ता निकाल। तेरी उम्र कितनी है? 32। मैं 12 का हूँ। काफी जवान हो गया तू। अभी नहीं, लेकिन 8 साल बाद मैं 20 का हो जाऊंगा और तू 40 का। अच्छा, तभी मेरी हाइट और बॉडी बन जाएगी, लेकिन तेरी डाउन हो जाएगी। तब जब तू मुझसे मिलेगा तो क्या करेगा? क्या करेगा? प्रैंक हो गया आपके साथ। बोल रहा वाला प्रैंक हो गया। सॉरी सॉरी। क्या बताऊं अंकल, मंदी। ये मंदी की वजह से इस बार दिवाली इतनी ठंडी गई कि बात मत पूछो। अरे पटाखे की दुकान भी कम थी इस बार तो। जेठा जी, पपीता जी, खुशी से। अंकल आप निकलो, मंदी ऐसी ही रहेगी, हम और आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। मतलब आपने अभी सोचा है अपने भविष्य के लिए कि आगे क्या करेंगे? आपके भविष्य में आपको फ्यूचर में सक्सेस कैसे मिलेगा, इसका सोचा आपने? सेक्स तो शादी के बाद होता है। सेक्स नहीं सर, शादी सक्सेस कर रहे हैं सर। बस तुमको सेक्स सुनाई दे रहा है, भारी मिस्टेक हो गया सर। कैसे लोग है यार। किस किस लोग है यार, किसी किसी बातें करते हैं ये, है ना? खराब सक्सेस नहीं सुनाई देता इन लोगों को यार, कैसे होगा गाइस? सक्सेस के ऊपर ध्यान ही नहीं है, कुछ और चीज पे ध्यान है। देवा ऐसे मत करो, लाइफ में बहुत कुछ करना होता है, बहुत चीजें होती है, काम होता है, सक्सेस होता है, फेम सबको नहीं चाहिए होता है, ओके मनी होती है, फैमिली होती है, हैप्पीनेस होती है, पॉजिटिविटी होती है, सब एक ही चीजों के पीछे पड़े रहोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे? और जेठालाल वो मतलब है ना, एक्चुअली पोपटलाल भूल गया था कि मेरे को जहर दिया गया है, मेरे को वहां पे पड़े रहना चाहिए। उठ के खुद ही चालू हो गया कि ऐसे कैसे तुम्हारी गलती है करके। मतलब जो लोग इसका प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट करेंगे ये उसी की गलती होती है। चांद वाली बात कहां से कहां चली गई यार, ये बात चांद पर पहुंच गया, इंडिया वाली बात वो वाली, और इंडिया की वजह से उनके देश में महंगाई हुई, ये उसके भाई ने उसको बताया, उसका भाई चने बेचता है। मतलब इतना नेगेटिविटी बोलते हो इंडिया के बारे में कि कुछ भी अगर हो जाए वो इंडिया की वजह से हुआ, ये गलत है यार, ये ऐसे नहीं कर। फिर तो फिर दोस्ती कैसे होगी, फिर वो भाईचारा टाइप्स कैसे होगा, फिर नहीं होगा, कभी नहीं होगा फिर अगर ऐसे ही होता होगा तो। और ये ड्राइवर हस्बैंड वाला मीम, आपको सबसे खतरनाक मीम कौन सा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना, था मेरा रिएक्शन। जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मियाले, बाय।